Yes. A very very good evening to all of you. समस्त को फास्ट ऑफ ऑल सॉरी टिके टेक्निकल इश्यू पे लेट हैला से जहाँ भी हो लेट तो हो आ समय नष्ट करिवानी आज टिके क्लासटा लंबा जाई पारे मोर प्लानिंग हिसाब से देखा कौन कवर हो सब पिला माने मते फटाफट कहिबे लास्ट क्लास रे आमे कौन पढ़ुते मुझे एक्चुअली भूल मते फटाफट रिमाइंड करवा दरकार ना सर लास्ट क्लास रे आमे पढ़ुते सेक्शन नंबर 48 जदि आपण मानकर मने थिबो प्रोविजो टू सेक्शन 48 जदि आपण मानकर मने थिबो हाँ सर मने पड़ुछि प्रोविजो टू सेक्शन 48 आमे पढ़ुते तो आज आमे ताको फटाफट रिविजन करिबा तापर आज आमे आउरी बहुत भल भल जिस अच्छे डिस्कसन करने जहाँ को आमे कौन करिबा ना डिस्कसन करिबा आजा आजा भाई आजा आजा यस प्रो फटाफट आम 2 मिनिट समय नवा रिविजन करदे फॉलोड बाय दैट आम आज डिस्कशन कौन करवा ना आगु लेकिन जीवा सब पिला मन थी लास्ट क्लास रे आम पढ़ुले प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 48 यस प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 48 रे आम कौन पढ़ुले आम जनरली जाचे कैपिटल गेन केमी कैलकुलेसन हुए ना सर आपण कहते फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रु आपण एक्सपेंसेस लेस कर देबे नेट कंसीडरेशन रिसीव्ड से दुईटा आइटम लेस हम गोटे हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गोटे हूँ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ओके यस सेक्शन नंबर 48 रो सेकंड प्रोविजो आम प्रथम पढ़ी कौन ना सर जदि आपणकर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो इनस्टेड ऑफ जिते बेले आम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नबा ताकु आमे कौन करिबा ना तार इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नबा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मु भलो भाबे बुझे दिली कौन बुझे दिली ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू जिउ इयर रे आपण असेट ट्रांसफर करूचंती से इयर रो इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिउ इयर रे आपण असेट एक्विजिशन करथिले से इयर रो इंडेक्स एवं आपण मानकर भलो भाबे मने थिबो मु गुटे पॉइंट कहितिली जदि आपणकर असेट बिफोर फास्ट एप्रिल 2001 आपन कौन आसेट को एक्वायर करी इन दैट केस फेयर मार्केट वैल्यू आज ऑन फास्ट अप्रैल 2001 विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मन पड़ी यस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट रे मध्य से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपन जितकी एक्सपेंसेस इनकर्ड करी इनटू कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंडेक्स फॉर द ईयर इन व्हिच इंप्रूवमेंट टू आसेट टू प्लेस जो ईयर रे आपण कौन करथिले आसेट रो इंप्रूवमेंट करथिले से वर्ष रो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंडेक्स को डिवाइड करिवे एवं आपण को आउ गोटे कथा मु पॉइंट डिस्कशन करथिले जदि आपनकर मने थिबो फास्ट अप्रैल 2001 पूर्वरु जहां भी हमरो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हेतिबो दैट विल बी टेकन एज नील फास्ट अप्रैल 2001 पूर्वरु जदि आमर किछि कोन हेतिबो ना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट रे एक्सपेंसेस हेतिबो ताहेले आमे ताकु कोन करिबा इग्नोर करिबा व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन व्हाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर फास्ट अप्रैल 2001 विल बी इग्नोर काहेकि की ना तार इन्फ्लेक्शन इंडेक्स ऑलरेडी एडजस्ट हो जाइ थिबो कोथिरे ना फेयर मार्केट वैल्यू आज ऑन फास्ट अप्रैल 2001 एवं मु सब बेले पिला कहूँ आपण दुईटा इयर इंडेक्स को मन रखिबे गोटे हूँ बेस इयर जोटा हूँ 2001 एंड 2002 जहाँ इंडेक्स हूँ 0 एवं एग्जाम रे एमसीक्यू आसुची करेन्ट इयर रो इन्फ्लेक्शन इंडेक्स के 2022 रे इन्फ्लेक्शन इंडेक्स हूँ 317 यार माने कौन ना सर यार माने हूँ 100 टंका वैल्यू जहाँ थिला 2001 एंड 2002 रे आजिका डेट रे 21-22 फाइनेंशियल इयर रे सही 100 टंका रा वैल्यू आमे केते कंसीडर करिवा ना 317 ताकु कंसीडर करिवा बुझी हूँ यस बुझी हूँ बाकी जदि पिला माने क्वेश्चन पचारे सर बाकी इयर रे किसी आसेट एक्वायर्ड और आसेट ट्रांसफर ताहले कौन हम से इयर रो इन्फ्लेक्शन इंडेक्स ऑलरेडी क्वेश्चन रे दिया जाए थी ताकु रिमाइंड करिबा किसी आवश्यक नहीं
आसेट आक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 जदि कौन आसेट आक्वायर्ड होता 1 अप्रैल जदि कौन आसेट आक्वायर्ड कर 1 अप्रैल 2001 रु तो इन दैट केस कौन हम ना इन दैट केस सब पिला माने बुझिबे इन दैट केस कौन होता ना आक्चुअल कॉस्ट जितकी टंका मोर आक्चुअल कॉस्ट थिला और फेयर मार्केट वैल्यू आज ऑन 1 अप्रैल 2001 व्हिच एवर इज हायर ताकु आमे कौन करिबा ना कंसीडर करिबा ए कथा ऑलरेडी मु डिस्कशन करि आसी जदि इंप्रूवमेंट हेतिबो 1 अप्रैल 2001 बिफोर रु ताकु आमे इग्नोर करिबा एहा परे मु पढ़ेतिली प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 48 प्रोविजो 1 टू सेक्शन नंबर 48 जेउतरे कुआ जाइतिला इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट असेस इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट असेस रे तीनटा कंडीशन मु आपन को कहितली कोन कहितली ना असेस नॉन रेसिडेंट हेतिबो असेट कोन हेतिबो ना शुड बी शेयर एंड डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी हेतिबो तापरे कोन हेतिबो तापरे कोन हेतिबो ना थर्ड कंडीशन इज दैट सच असेट हैज एक्वायर्ड इन द फॉरेन करेंसी एवं से आसेट को जितेबेले एनआर एक्वायर्ड करितिबो यानी परचेस करितिबो ताहा मध्य फॉरेन करेंसी रे हेतिबा दरकार जदि एई भुलिया केस रे हेतिबो ताहेले कैपिटल गेन कोन करा जिवो प्रथमे आमे फॉरेन करेंसी रे कैलकुलेट करिबा तापर से कैपिटल गेन को आमे कोन करिबा ना इंडियन करेंसी रे कन्वर्ट करिबा गोटे बढ़िया एग्जांपल नै कि मु आपनको सहित डिस्कशन करितली हालाकि आपन कोन करिवे नोट्स देखिबे मो पाखरे नोट्स अछि मु चाहुनी नोट्स रा टाइम वेस्ट करिया पई ओके यस तापर आमे पढ़ितले थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 48 रे मु कोन कहितली ना फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो दीटा एप्लीकेबल होबो नै फर्स्ट प्रोविजो कोन कहउछि ना एनआर रो कैपिटल गेन टैक्सेशन सेकंड प्रोविजो कोन कहउछि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ए दीटा एप्लीकेबल होबोनी को केस रा एप्लीकेबल होबोनी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए से सेक्शन रे आमे जते बेले कैपिटल गेन कैलकुलेशन करिवा तो प्रोविजो 1 एप्लीकेबल होबोनी एवं प्रोविजो 2 एप्लीकेबल हेबो नाही फोर्थ प्रोविजो रे आमे लास्ट क्लास रे कोन डिस्कशन करथिले ना जदी आपनकर कैपिटल असेट डिबेंचर हेतिबो कि आपनकर कैपिटल असेट बॉन्ड हेतिबो तो से केस रे आपनकु इंडेक्सेशन रो बेनिफिट मिलिबो नाही नो इंडेक्सेशन इन द केस ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड इंडेक्स बेनिफिट नॉट अलाउड इन केस ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर एक्सेप्ट केवल दीटा केस रे आपन को बेनिफिट मिलिबो 100% एमसीक्यू रे आसीबार प्रोबेबिलिटी अछि सब पिला मानको मोर एडवाइस कैपिटल गेन इंटरलेबल इज सच ए डिफिकल्ट चैप्टर जहां हम को जनरली अंडरस्टैंडेबल हुए नी बट मु चाहू जे ए सब तक मैटर गुडी को तम सहित इजी वे रे आनिबा पई एवं जो जो जगह रे मु एमसीक्यू कहू जे सब पिला माने अलर्ट हे कि लेखि नेबे को जगह रे आपन को बेनिफिट मिलिबो आउ तरे बुझिबे प्रथमे कहिला डिबेंचर बॉन्ड केस रे आपन को इंडेक्सेशन रो बेनिफिट दिया जिवो नाही किंतु एई दीटा केस रे आपन को इंडेक्सेशन रो बेनिफिट मिलि जिवो को केस रे ना कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड जदि किछि एमती कंडीशन थिबो और सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ताहेले से केस रे तुमको कोन हे जिवो ना फोर्थ प्रोविजो एप्लीकेबल होबो नाही अर्थात इंडेक्सेशन रो बेनिफिट मिलि जिवो अर्थात इंडेक्सेशन रो बेनिफिट मिलि जिवो प्राय एई पर्यंत आमे डिस्कशन करितिले फिफ्थ प्रोविजो आज आमे डिस्कशन करिबा मोर जहां मने पडुछि आमे फोर्थ प्रोविजो पर्यंत डिस्कशन करितिले आमे फिफ्थ प्रोविजो सिक्स्थ प्रोविजो सेवेंथ प्रोविजो आज आमे डिस्कशन करिबा एवं आज आउरी सुंदर टॉपिक अछि डिस्कशन करिबा जोटा पढ़ला पर तुमको लागिवो ये सर आमे आज किछि पढ़िलु एवं आमको किछि बुझा पड़ला यस फिफ्थ प्रोविजो कौन कहूँ हालांकि मुझे कहि इंटरलेवल एत इम्पोर्टाट सेक्शन नुह फिर भी खाली रीडिंग पर्पज पर लिखिकी ने फिफ्थ प्रोविजो आम केवल इंटरलेवल रीड करवा हालांकि जब फाइनाल लेवल स्टूडेंट होता तो मुझे यहाँ भी इम्पोर्टाट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएसन गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट असेसी शाल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एहा ऊपर मु गोटे दुटा क्वेश्चन देछि एको केवल रीड करले चलिबो किछि एबे न बुझिले भी चलिबो ना माने
ବୁଝିବା ବି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛି। ମନେକର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ $1 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି କେତେ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 1 January 2021 $1 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା ଲେଟ୍ ସପୋଜ 67 rupees। 1 January 2022 $1 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, $1 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଲେଟ୍ ସପୋଜ 72। ସିଏ କହୁଛି ଯଦି ତୁମେ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ କିଛି ଡିଲ୍ କରୁଛ ଏବଂ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କିଛି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ଆସୁଛି, ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ୟାନି କମିଯାଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ଗେନ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ ଗୋଟିଏ ଡଲାରର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା ନା, ସାର୍ ଡଲାର ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ବାଏ ରୁପିଜ୍ 5। 5 ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଡଲାରର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖିବେ। ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ଗେନ୍ ଅନ୍ ରିଡମ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରୁପି ଡିନୋମିନେଟେଡ୍ ବଣ୍ଡ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସେସି। ଯଦି ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା, ରୁପି ଡିନୋମିନେଟେଡ୍ ବଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଏନ୍ଆର୍ କେସ୍ରେ ଶାଲ୍ ବି ଇଗ୍ନୋର, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଫର୍ ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କାଲକୁଲେଟିଂ ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କନ୍ସିଡରେସନ୍ ଆଜ୍ ଏ ମେଜର ଟୁ ଏନେବୁଲ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ ଟୁ ରେଜ୍ ଫଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦ ଆର୍ବିଆଇ ହାଜ୍ ପରମିଟେଡ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଇସ୍ୟୁ ଦ ରୁପି ଡିନୋମିନେଟେଡ୍ ବଣ୍ଡ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ କେସ୍ କେତେବେଳେ ଆସେ ନା, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଲ ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିବ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୟାନି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତା'ର ସେୟାର୍ ଅର୍ ଡିଭେଞ୍ଚର୍ ଇସ୍ୟୁ କରିକି କିଛି ଫଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରୁଛି, ସେ କେସ୍ରେ 5th provision ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବ। ଆକର୍ଡିଂଲି ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସେସି, ଏନି ଗେନ୍ ଆରାଇଜିଂ ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ରୁପି ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପର୍ଚେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଡମ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରୁପି ଡିନୋମିନେଟେଡ୍ ବଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ। ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ୍, ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଆସେସି ତୁମର ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା କିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ରୁପି ଡିନୋମିନେଟେଡ୍ ବଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବ, ହେଲ୍ଡ ବାଇ ହିମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଶାଲ୍ ନଟ୍ ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼୍ ଫର୍ ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କନ୍ସିଡ୍ରେସନ୍। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏ 5th provision ହାଲାକି ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ, ଫିର୍ ବି ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟର୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସାର୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଗ୍ନୋର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟର୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଖୁବ୍ ରେୟାର। ଓକେ, ୟେସ୍, ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 6th provision to section 48। ହାଲାକି ଏ ସେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ section 47 ପଢ଼ିବା, section 47 ସେତେବେଳେ ଏଗେନ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇ ଜାଗାରେ କଭର୍ ହେଇଯାଉ। କ'ଣ କହିଛି, କହିଛି ଏନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆସେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଗିଫ୍ଟ। ଗିଫ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଲେଟ୍ ସପୋଜ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଆସେସି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାର ୱାଇଫ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛି ଅର୍ ୱିଲ୍। କୌଣସି ଆସେସି ଆଜି କ'ଣ କଲା, ତୁମେମାନେ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର୍ ଯିଏ କହିଛି ଯେ ତାର ଡେଥ୍ ପରେ ସବୁତକ ବଡ଼ିର ପାର୍ଟସ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେଉଛ ଅର୍ ୱିଲ୍ ଆକାରରେ ଦେଉଛ, ୱିଲ୍ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଅର୍ ଆନ୍ ଇରିଭୋକେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଉଛ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଫ୍ଟର୍ ମାଇ ଡେଥ୍ ମୋର ଯାହା ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡୋନେଟେଡ୍ ଟୁ ଏ ଆଇଦର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହେଉ ଅର୍ ଅନାଥାଶ୍ରମ ହେଉ ବା କୌଣସି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଉ, ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ। ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବୋଲି ମାନିବା ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରୁଛି, କଣ୍ଡିସନ୍ ମନେ ରଖିବେ ଅଫ୍ ଅର୍ ଆନ୍ ଇରିଭୋକେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଇରିଭୋକେବୁଲ୍ କହିଲେ ଯାହାଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଫେରେଇକି ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲା ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ନାହିଁ। ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆସେଟ୍ ହେଇଥିବ, ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆସେଟ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଥିବ, ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ରୁ ଯଦି କିଛି ଗେନ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଗେନ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା। ଯଦି ମୋତେ କୁହ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆସେଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନୁହଁ, ତା ଉପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଗେନ୍ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ କି? ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ନୋ। ସାର୍, ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ହାଉ ଏଭର୍,
दिस क्लज शाल नॉट इंक्लूड से कहे ए क्लज क्यों क्यों केस रे इंक्लूड हम ना एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर ए गिफ्ट और आन इरिवोकेबल ट्रस्ट बीइंग शेयर जदि तुम्हें शेयर किंबा डिबेंचर किंबा वारंटी क्या गिफ्ट रे दे दौच डोनेट कर दौच मनेकर दिस इज मिस्टर राकेश राकेश कौन करुची ना राकेश रो गोटे गर्लफ्रेंड थिला सी कौन करुची ना ता बर्थडे रे रिलायंस इंडस्ट्री रो शेयर राकेश पाखे कि रिलायंस इंडस्ट्री रो शेयर थिला जहार वैल्यू होउची लेट सपोज 10,000 सी कौन करुची बर्थडे ऑफ तार गर्लफ्रेंड से कौन करुची ताको गिफ्ट रे दे दउची तो से केस रे ए क्लॉज एप्लीकेबल होबो नाही यानी कौन होबो देखो अलॉटेड बाय ए कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स एम्प्लॉय सब पिला माने बुझिबे तुम पाखे कैपिटल असेट शेयर और डिबेंचर हो जहाँकि तुमको तुम कंपनी आलोटेड कर टू इट्स एम्प्लॉय अर्थात मु लास्ट क्लास गोटे पढ़े थी मन पड़े ईसप ईसप एंड राइट इश्यू लास्ट क्लास डिस्कसन करूली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री शेयर कौन होता ना कि राकेश पाखे थी राकेश ताको गिफ्ट रे दौची ताहले सेते बेले कौन करा जीवो नहीं ए क्लॉज एप्लीकेबल ना हबो नहीं ए क्लॉज कौन कहूँची ना तुम्हें जदि गिफ्ट विल आकार रे दौचो ताको ट्रांसफर मना जीवो नहीं दुई नंबर कंडीशन रे कौन कहूँची ना तुम्हें जदि कौनसी कंपनी रो शेयर हो डिबेंचर हो तुमको मिलीतिला कंपनी अलॉटेड करितिला ताको तुम्हें गिफ्ट दौचो ताहले ताको ट्रांसफर बोली मना जीवो एहर माने कौन ना तुम्हें जदि शेयर डिबेंचर को गिफ्ट रे दौच जहाँ तुमको ईसब जरिया मिली आम कौन मानवा ना ट्रांसफर बोली मानवा बुझी से कह सेक्शन 48 रे कहुए फुल मार्केट वैल्यू FMB ये करेक्शन कर FMB सेक्शन 48 हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर शाल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ऑफ सच शेयर एंड डिबेंचर सर आमको ए सेक्शन रे जहाँ कहले आउ थे बुझे दिंतु सेक्शन 48 कथा हूँ कौन सब पिला माने मते कहिबे जे सेक्शन 48 कौन हालांकि जितेबले टैक्स पढ़े समस्त को मोर एडवाइस से DT हो कि IDT हो सेक्शन वाइज रिमेम्बर करने को मन रखिबे चेष्टा करिबे सर सेक्शन 40 हूँ प्रथमे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 40 हूँ कहाँ पाई ना सर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन पाई सब पिला माने बुझिबे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन पाई सेक्शन 48 रे प्रोविजन कुआ जाइछि एवं आमे सेक्शन 48 रो प्रोविजन पढ़ुचे सेक्शन 48 रो 6 प्रोविजन कहुची जदि तुम्हें गिफ्ट आकार रे विल आकार रे काहा को डोनेट करुचो ताहले ताकु ट्रांसफर मना जीवनी ताहले ता उपरे कैपिटल गेन लागिबो नाही किंतु किंतु सर सेक्शन 47 कौन वेरी गुड मु 47 पढ़ा सब्बा लास्ट रे आमे सेक्शन 48 पढ़ा फिर भी मु कहि दउची सेक्शन 47 कौन सब पिला माने बुझिबे सेक्शन 47 रे कुहा जाइची ट्रांजैक्शन नॉट ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर ता माने कौन क्यों क्यों ट्रांजैक्शन हेले हरकत हेले आमे ताकु ट्रांसफर बोली कहिबा नाही अर्थात एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टर्म ट्रांसफर फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर नॉट टू बी ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर सेक्शन 47 रे सही कथा कुहा जाइची किंतु कौन कहिला जदि कौनसी गोटे आसेसी कि जदि कौनसी गोटे आसेसी कि मनेकर ये होचे मिस्टर राकेश राकेश पाखरे कौन है ना सर रिलायंस कंपनी रो शेयर अच्छी रिलायंस इंडस्ट्री रो शेयर अच्छी जहाँ राकेश केमिति पाइथिला ना सर ईसब जरिया रे पाइथिला एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ग्रुप टू रे कंपनी अकाउंट्स रे अच्छी भलो भाबे पढ़िबो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एम्प्लॉय मानको रिटर्न करिबा पई साधारण भाबरे कोन करा जाय ना सेमानको गोटे ऑफर दिया जाए तमे जदि 3 वर्ष काम करिवो ताहले 100 टंकार वैल्यू को आमे तुमको 30 टंकार दे देउ ताको कहा जाए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जदि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अनुसार तुम किसी शेयर पाइल राकेश ताको कौन करुची ना ता गर्लफ्रेंड रो बर्थडे रे ताको गिफ्ट आकार रे दिया जाउची से केस रे सेक्शन 47
क्लज नंबर थ्री रो प्रोविजन लागिबो नाही। एहार कोण एहार अर्थ कोण ना सर, एहार अर्थ होची एई भोलिया काम जदी राकेश करिवो ताहाले आमे ताकु ट्रांसफर बोली कहिबा। बुझियला? अरे बुझियला कि बुझियलानी? ये सर बुझियला। प्रश्न आसुची फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आमे कोण काहाकु नोबा, कारण सेक्शन 48 रे प्रथमे आमे लेखु फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, सेथिरु आमे लेस करू एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जहा आसिला ताकु आमे कहू नेट कंसीडरेशन, एतिरु आमे दीटा आइटम लेस करू। हालांकि आ परे परे आमे पढ़िबा गोटे होची कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गोटे होची कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जहा आसिला ताकु कहा जाए कैपिटल गेन। ए प्रोफॉर्मा समस्तंकर मन रहिबा दरकार, नहले कैपिटल गेन रे सबु बेले तमे हैरान हबो। हबो यस, मु चाहूची आसान तरीका रे आमे बुझिबा एवं मन रखिबा। एथर बुझियला सिक्स प्रोविजन कोन कहितला? यस सर, पुणी ए सिक्स प्रोविजन आमे सेक्शन 47 सहित आउधरे डिस्कशन करिबो। सेवेन्थ प्रोविजन टू सेक्शन 48 आमे एसटीटी पढ़ीबा। एसटीटी माने कौन? एसटीटी माने होची सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एटा एमसीक्यू रु पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत इंपोर्टेंट, हालांकि शॉर्ट नोट रे मध्ये पढ़ूची ए पॉइंट को आपण मने रखिबा निहाती दरकार। पॉइंट कौन कहूची? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नॉट अलाउड ऑन सेल और परचेज ऑफ शेयर और यूनिट्स अंडर कैपिटल गेन। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स माने कौन सब पिला माने बुझिबे? जेते बेले स्टॉक मार्केट रे आमे कौन करिबा ना, आमे किछि शेयर बा डिबेंचर को किणीबा बा बिकिबा, आमे किछि शेयर और डिबेंचर को किणीबा बा बिकिबा, सेते बेले आमु को किछि टंका कौन दबा को पड़िबो ना, पेमेंट करिबा को पड़िबो, किछि टैक्स पेमेंट करिबा को पड़िबो, जहाँ को कहा जाए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सी कहूँ जदि आम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेमेंट करूचे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेमेंट करूचे केते बेले पेमेंट हबो? बोथ सेल एंड परचेज केस रे, सेल और परचेज। जदि आम कौन शेयर बा कौन सिक्योरिटी को सेल करूचे यानी परचेज करूचे से केस रे आमको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पे करने को पड़ो, तो आकु डिडक्शन तुमको मिलिबो नाही। जहा अमाउंट तुम पे करिचो सब पिला माने लेखिक नेबे एनी अमाउंट पेड, जदि तुम कौन अमाउंट पे करिचो आज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ताहेले कौन हबो ना तार अमाउंट को आपण ए जो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर रे इंक्लूडेड करिबे नाही, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर रे इंक्लूडेड करिबे नाही। जदि आमे आउरी सरल भाषा रे कहिबा सब पिला माने देखिबे, इफ इट इज पेड एट द टाइम ऑफ सेल, हालांकि एटी सेल रो स्पेलिंग भूल हेछि सब पिला माने करेक्शन करिबे, जदि सेल बेले आपण किछि पे करूछंती नॉट ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर एक्सपेंसेस, अर्थात आपण एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर बोली ट्रीट करा जीवो नाही। इफ इट इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज नॉट एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जदि तुम्हें किणला बेले किसी पे करिचो ताहा मध्य कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रे इंक्लूडेड हबो नाही। सर आमे बुझी पारलुनु आउ थरे हमको कहंतु? वेरी गुड। जदि आपण मानकर मने थिबो आमे प्लस टू सेकेंड रे गोटे मैथ थिला स्टॉक एंड शेयर, मन पड़ुची टिके टिके मेमोराइज करिबा दरकार। स्टॉक एंड शेयर रे आमको गोटे कथा कुहा जाइतिला कोन, मने कर रिलायंस इंडस्ट्री रो शेयर रो वैल्यू होउची मार्केट रे एबे चालीची 98 रे, एहार माने कौन ना सर, 100 टंकार वैल्यू को एबे मार्केट रे भाव चलची केते टंका 98, मार्केट रे दाम अछि केते टंका ना सर 98। लेट सपोज आमको ब्रोकरेज 2 टंका दबा को पड़ुची, हालांकि 1 टंका दबा को पड़ुची मु नउची, ताहेले आमर परचेज प्राइस केते हि जाउतिला ना सर 99 हि जाउतिला, जदि आपनकर मने थिबो। काहे कि ना सर 98 आमे पे कलु कंपनी की शेयर किणीबा पई एवं टंकाटा आमे पे कलु आज ब्रोकरेज एक्सपेंसेस, हेंस आमर टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केते हि जीवो ना 99 हि जीवो। किंतु कैपिटल गेन रे कुआ जाउची जदि तमे किछि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पे करितिबो, लेट सपोज मु शेयर किणिली 98 रे टंकाटा मु एसटीटी पे कली, मोर टोटल कॉस्ट केते हि गला? टोटल कॉस्ट हि गला 99,
किंतु कैपिटल गेन परपोज पाई ये टंकाटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रे इंक्लूड करा जीवो नाही। कैपिटल गेन परपोज पाई ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रा पार्ट होबो नाही। अरे बुझी हला कि बुझी हला नहीं, जदि बुझी हेतिबो रिप्लाई देबे आमे आगो को जीवा। एट सेक्शन 48 समस्त प्रोविजन आमे डिस्कशन कर सारे एहा परे आमे गोटे ब्यूटीफुल सेक्शन को मूव करिबा। एटी किछि नोट लेखा जाइछि, तमे चाहिले पढ़ी पारिबो। ए नोट्स एबे मु पढ़ेबि नाही, पूरा चैप्टर सरिले ए नोट्स को मु डिस्कशन करिबि, तमे चाहिले पढ़ी पारिबो। ओके यस सर, आपण बारंबार कहउछन्ति नेट कंसीडरेशन रु दीटा आइटम लेस हबो, माने सब पिला माने बुझिबे आमे पढ़िले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन से आम लेस करिबा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जहाँ आसला ताकू आम कहले नेट कंसीडरेशन। ए नेट कंसीडरेशन रु आम दीटा जिनस लेस करू, गोटे हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आउ गोटे हूँ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो एबे सर आपण आमको बुझातु जे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रो माने कौन एवं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट रो माने कौन। तो एबे आमे डिस्कशन करिबा सेक्शन 55 रे। सर आपण कौन डायरेक्ट 48 परे डायरेक्ट सेक्शन 55 पढ़े? यस, जे पटे आमको चैप्टर आसान हबो मने रहिबो, आमे बुझी परिबा कैलकुलेशन करि परिबा, सही हिसाब रे आमे पढ़िबा गोटे गोटे पॉइंट को। मु सेक्शन सीरियली केबे आमे पढ़िबानी, जेमते आमको मन रखे सुविधा हबो आमे सही हिसाब रे पढ़ी पढ़िका जीवा। ओके जदि समस्त रेडी थिबे तो एबे आमे आरंभ करिबा सेक्शन 55। फटाफट रिप्लाई देबे सेक्शन 55। सेक्शन 55 परे आज पुणी सेक्शन 45 पढ़िबा, बहुत मजा आसीबो सेक्शन 45 रे। यस सबु पिला माने बुझिबे सेक्शन 45 रे प्रथम पॉइंट कहूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हालांकि सेक्शन 55 रे सॉरी सेक्शन 55 रे दीटा पॉइंट अच्छे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आम प्रथम पढ़ा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तापर पढ़ा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। प्रश्न आसुची कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रो माने कौन, सब पिला माने बुझिबे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रो माने कौन, सब पिला माने बुझिबे। इन केस ऑफ गुडविल, हालांकि मु जिस्ट कह दे सब पिला माने बुझो। इन केस ऑफ गुडविल समरी अच्छी नेक्स्ट पेज रे, देखी दबा आईडिया के। यस एटा समरी चार्ट रही जाइछ एथिरे नाही, सब पिला माने बुझिबे। इन केस ऑफ गुडविल ऑफ ए बिजनेस, जदि कोनोसी बिजनेस रा गुडविल हेतिबो एटा होची एमसीक्यू। नॉट प्रोफेशन, एग्जाम रे केस स्टडी आसीबो। मु जहाँ एबे पॉइंट डिस्कशन करूची दैट इज गुडविल ऑफ ए बिजनेस नॉट ए प्रोफेशन। सर प्रोफेशन माने कौन, वेरी गुड क्वेश्चन। प्रोफेशन माने होची लेट सपोज आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मोर गोटे फार्म अच्छी, मुझे किसी प्रोफेशनल सर्विस दौची। लेट मु गोटे डॉक्टर, मोर गोटे क्लिनिक अच्छी, किसी प्रोफेशनल डिजीज मु ट्रीट करूची। लेट आई एम ए लॉयर, लॉयर कौन करूची ना मु प्रैक्टिसेस करूची, केस हैंडल करूची। तो एगुड़ी को कौन कह प्रोफेशन कह। अरे बुझी हो कि बुझी हो? यस सर बुझी हो। अरे बुझी हो कि नहीं, फटाफट कह। यस सर बुझी हो। ओके वेरी गुड। गुडविल ऑफ ए बिजनेस नॉट प्रोफेशन, एग्जाम रे तुमको माने कन्फ्यूजन करिबा पई प्रोफेशन केस स्टडी पकेबो। मु जहा कहूची बिजनेस कथा कहूची। और ट्रेडमार्क, जदि गुडविल गुडविल ऑफ ए बिजनेस और ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विथ बिजनेस। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम मैरीगोल्ड बिस्किट, मैरीगोल्ड इज ए ब्रांड। और राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू मैन्युफैक्चर करिबा पई हेले लेट सपोज मु सालेपुर एरिया रे कौन करूची ना ब्रिटानिया बिस्कुट रो लाइसेंस नौची, जे बिस्कुट मु मैन्युफैक्चर करिबी ताको कह जाए लाइसेंस। राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग। राइट टू क्यारि ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, जदि कौनसी बिजनेस को मु क्यारि करिबा पई लेट सपोज पतंजलि रो मु गोटे कौन नौची ना डीलरशिप नौची। पतंजलि रो मु डीलरशिप नौची आम एरिया रे बिजनेस करिबा पई, तो से केस रे। और टेनेंसी राइट, स्टेज क्यारेज परमिट और लूम आवर, कौनसी मेसीन मु चलाउची, तो से केस रे कौन हबो। से केस रे सबु पिला माने बुझिबे
से केस रे सब पिला माने बुझिबे यस ये जहाँ केस कोइली से केस रे ई कौन गोटे लाइन मिस्टेक है इन केस ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम प्रीवियस ओनर यस हाँ तार दीटा पॉइंट अच्छे ए केस ही थी वो एटा आई पॉइंट अच्छे मुझे भाई फास्ट पॉइंट अच्छे यस ए केस ही थी वो जदि मु कौनसी प्रीवियस ओनर पाखरु किनु थी लेट तुम मानक पाखरु मु कौन कली ना गोटे बिजनेस रो गुडविल परचेस करूची लाइसेंस आनुची टेनेंसी राइट आनुची से केस रे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन हम सब पिला माने बुझिबे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स अमाउंट ऑफ परचेस प्राइस जितकी टोंका दे कि मु किनुची सेटा हे जीव मोर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इफ ए परचेज ए स्टेज कैरेज परमिट फ्रॉम बी फॉर रुपीज 2 लाख देन रुपीज 2 लाख विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए एते के बुझिला ना बुझिलानी जदि ए बोलिया इनटेंजिबल एसेट गुडविल ब्रांड नेम लाइसेंस टेनेंसी राइट लूम आवर राइट एमती किसी परचेस करुच्ची कौन से गोटे प्रीवियस ओनर ठार से केस रे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन हो ना जी टाँचा पे करके मुझे हाउ एवर जहाँ लिखा जाए भूली जाओ तापर आस एनी अदर केस माने कौन बुझी एनी अदर केस माने सब पिला माने लिखिए सेल्फ जेनरेटेड एनी अदर केस कहले सेल्फ जेनरेटेड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी टेकन एज नील एमसीक्यू रो पॉइंट सब पिला माने लिखिक नेबे एमसीक्यू रो पॉइंट एहार माने कौन सर आमको गोटे लाइन रे कहतु जमी एका थे मन रेस मु गोटे लाइन रे कौच जदि तुम्हें कौन से इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को कौन करुच परचेज करुच से केस रे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जितकी टाँचा तुम पे करुच जदि किसी इनटेंजिबल आसेट को तुम सेल्फ जेनरेट करुच निजे क्रिएट करुच मु पढ़े पढ़े सर्विस दे दे मो बिजनेस गोटे गुडुल हो जाए तो तुम पे चाहू मोर ब्रांच नहीं कि तुम एरिया कौन करने बिजनेस करने इन दैट केस कौन ही जीवो इन दैट केस जो सेल्फ जेनरेटेड केस आसीबो ताहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही जीवो नील एहा एमसीक्यू आसुची एग्जाम रे बहुत तरह आसुची सब पिला माने मन रखिबो तापर हमें पढ़िबा द बेनिफिट ऑफ एफएमबी आज ऑन 1 अप्रैल 2001 नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ एबव असेट वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब पिला माने कहिबे एफएमबी आज ऑन 1/4/2001 कंसीडर करू क्यों केस रे आमे फेयर मार्केट वैल्यू आज ऑन 1 अप्रैल 2001 आमे कंसीडर करू फटाफट पिला माने रिप्लाई देबे ना सर जदि आपण कौनसी आसेट एक्वायर्ड करुछंती और परचेस करुछंती ए पर्यंत आसेट आसेनी आंसर आसेनी जदि कौनसी आपण आसेट परचेस करुछंती बिफोर 1 अप्रैल 2001 ताहले से केस रे आमे कौन करीबा ना फेयर मार्केट वैल्यू आज ऑन 1 अप्रैल 2001 को कंसीडर करू जदि आपण कौन करीतिबे गुडविल कॉपीराइट फ्रांचाइज ए भुलिया किछि बिजनेस कौन करीतिबे परचेस करीतिबे 1/4/2001 पूर्वरु तो से केस रे तुमको बेनिफिट ऑफ कौन फेयर मार्केट वैल्यू मिलिबो नाही नो कैपिटल गेन ऑन गुडविल ऑफ प्रोफेशन एज पर बीसी सेटी गोटे केस लॉ अच्छी जेउतिरे कौन हेतिला ना सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट अनुसार गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन उपरे कौनसी कैपिटल गेन लागिबो नाही नो कैपिटल गेन ऑन गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन जोटा कि फास्ट पॉइंट तुमको कहीकि आसली गुडविल ऑफ बिजनेस केस कहूँ किंतु गुडविल ऑफ प्रोफेशन केस रे कैपिटल गेन रे टैक्स लागिबो नाही जदि कैपिटल गेन रे टैक्स लागिबो नाही ताहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रो किछि आवश्यक ही नाही बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएलानी सर आमर डाउट अछि कोन डाउट ना डाउट नंबर 1 डाउट नंबर 1 सर जदि मु गुडविल गोटे पिला कहला सर मु कोनो से गोटे बिजनेस को परचेस करथिली गुडविल केबे परचेस करथिली
ନା ସାର୍ ମୁଁ ପର୍ଚେଜ୍ କରିଥିଲି 1 ଅକ୍ଟୋବର 1999ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେ କରିଥିଲି। 1 ଅକ୍ଟୋବର 1999ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ର ମୁଁ ଗୁଡ୍ୱିଲ୍ ପର୍ଚେଜ୍ କରିଥିଲି, ତାହେଲେ ସେ କେସ୍ର କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କେତେ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ କେସ୍ରେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କେତେ ହେବ? ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଫଟାଫଟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ। ନା ଜେନେରାଲି ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା, କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସେଟ୍ ଆପଣ 1 ଏପ୍ରିଲ 2001 ପୂର୍ବରୁ କିଣିଥିବେ, ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲ କଷ୍ଟ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ତୁମେ ପେ କରିଛ ଅର୍ ଫେୟାର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଜ୍ ଅନ୍ 1 ଏପ୍ରିଲ 2001, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ହାୟର ହେବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ସେକ୍ସନ୍ 55 ହିସାବରେ, ଯଦି ଗୁଡ୍ୱିଲ୍ ଆମର 1 ଏପ୍ରିଲ 2001 ପୂର୍ବରୁ କିଣାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଫେୟାର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ବେନିଫିଟ୍ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ନା ସାର୍, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ଲେନ୍ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ହବ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସେଟ୍, ଆମେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କାହାର ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ନା, ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସେଟ୍ ଅଛି ତାର କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କେତେ ହବ? ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସେ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ତୁମ ସହିତ ସିମ୍ପଲି ଫର୍ମାଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଏକାଥରେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସେଟ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବୋନସ୍ ସେୟାର ଅର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, 2ରେ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ସେୟାର ଅର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ଯେ ବୋନସ୍ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ବା ବୋନସ୍ ସେୟାର କ'ଣ ଏବଂ ବୋନସ୍ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ବୋନସ୍ ସେୟାର କ'ଣ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ବୋନସ୍ ମାନେ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ସେୟାର ମୋତେ ମିଳୁଛି ଯାହା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି ନା ସାର୍, କିଛି ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ବୋନସ୍ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲି ଫ୍ରିରେ ମୋତେ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସାର୍, ବୋନସ୍ ଇସ୍ୟୁ ବୋଲି କହିବା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସାର୍, ବୋନସ୍ ଇସ୍ୟୁ ବୋଲି କହିବା। ଆରେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ୟେସ୍। ତ ବୋନସ୍ ସେୟାର କେସ୍ରେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ, କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ବୋନସ୍ ସେୟାର ଅର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯଦି ତୁମେ 1 ଏପ୍ରିଲ 2001 ପୂର୍ବରୁ ଆଣିଛ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଯାହା ଫେୟାର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିବ 1 ଏପ୍ରିଲ 2001ରେ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମୋର କ'ଣ ନା ସାର୍, କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍। ଯଦି ବୋନସ୍ ସେୟାର, ସବୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ଜାମରେ MCQରେ ପଡ଼ୁଛି, କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି 1 ଏପ୍ରିଲ 2001 ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଣିଥିବି, ସରି ମୋତେ ବୋନସ୍ ସେୟାର ମିଳିଥିବ, କିଣିନଥିବି ମୋତେ ମିଳିଥିବ, ତାହେଲେ ତା'ର ଫେୟାର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାହା 1 ଏପ୍ରିଲ 2001ରେ ଥିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍। ଯଦି 1/4/2001 ପରେ ମୋତେ କିଛି ବୋନସ୍ ସେୟାର ଆଲଟେଡ଼୍ କରାଯାଇଛି, ବୋନସ୍ ସେୟାର ମାନେ ଯେଉଁ ସେୟାର କିଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନି, ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍, ନିଲ୍ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଓଭର୍, ଆଉ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ। ବୋନସ୍ ସେୟାର, ହ୍ୱେୟାର ବୋନସ୍ ସେୟାର ଆର୍ ଆଲଟେଡ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପେମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ସେୟାର। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର, କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ବହୁତ ରିଜର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ସର୍ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବୋନସ୍ ସେୟାର ଦେଉଛି। କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସଚ୍ ସେୟାର ୱିଲ୍ ବି ନିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର। ଜେନେରାଲି ବୋନସ୍ ସେୟାରର କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? ନିଲ୍ ହେଇଯିବ। ବୋନସ୍ ସେୟାର ଯଦି 1/4/2001 ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ଫେୟାର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଯିବ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍। ଯଦି ବୋନସ୍ ସେୟାର ଆଲଟେଡ଼୍ ହେଇଛି, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବେ, ଏ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ବେଷ୍ଟ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ବେଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେକ୍ସନ୍ 112 ପଢ଼େଇବି, ଏ ପଏଣ୍ଟର ବହୁତ କାମ ଦେବ। 112 କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ, ଯଦି ବୋନସ୍ ସେୟାର ମୋତେ ମିଳୁଛି
1/4/2001 परे बोनस शेयर मते मिलुची 1/4/2001 परे आमे पढ़ी के आसिले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हबो नील किंतु ए पॉइंट रे गोटे कोन कुआ जाय छी बुझी बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1 February 2018 एहार माने कोन ना सर 1 February रे मु कहितली आमर बजेट आसे 1 February रे आमर कोन आसे ना सर बजेट आसे से बजेट आसीबा पूर्व रु तुमको जदि किसी बोनस शेयर मिली अर्थात 18-19 फाइनेंशियल ईयर जिते बड़े बजेट अनाउंस करा जाए थी वो केबे अनाउंस करा जाए थी वो ना 1/2/18 रे से ताहा पूर्वरु जदि आपन पाखरे किसी बोनस शेयर अछि जहाँ ऊपर तुम सिक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT माने सिक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करिछ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1 February 2018 ऑन व्हिच STT हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर द कॉस्ट वुड बी ताहले कॉस्ट कौन हबो सब पिला माने बुझिबो आ ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अछि मु जेतेले 112 पढ़ेबी हालांकि एटी अछि बोधे यस एटी अछि तो से केस रे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन हे जीवो कंडीशन मन रखिबे मु बोनस शेयर अलॉटेड हेतिबो 1 April 2018 पूर्वरु 1 February 2018 पूर्वरु जहाँ ऊपर मु STT पे करथिबी तार कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन हबो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज नील इन द केस ऑफ बोनस शेयर अलॉटेड ऑन और आफ्टर 1 April 2001 एबे आमे पढ़ी के आसिले जे बोनस शेयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हे जीवो एंड FMB on 1 April 2021 in case of business share allotted before 1 April 2001 एबे मु पढ़े के आसिली जे 1 April पूर्वर जदि हेजी ताले फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 April 2001 जदि 1 April 2001 परे मिलिची ताहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हे जीवो नील सब पिला माने बुझिबे कोन कहूची ना हायर ऑफ कहारो कहारो हायर ना एक नंबर पॉइंट रे दुई नंबर पॉइंट रे जोटा हायर हबो ताकू आमे नबा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक नंबर पॉइंट रे कहिला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जोटा कि मु तुम सहित पांच थर डिस्कशन कर सारे दुई नंबर पॉइंट रे कौन कही लोयर ऑफ FMB आज ऑन 31 January 2018 31 January 2018 रे जहाँ फेयर मार्केट वैल्यू अच्छी ताकू नबा एवं बी पॉइंट रे एक्चुअल सेल कंसीडरेशन अर्थात मते बिकिला परे जहाँ सेल वैल्यू मिलुची एमानक भितरु जोटा लोयर हबो ताकू लेखिबा आमे दुई नंबर पॉइंट रे एवं एक नंबर पॉइंट रे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेखिबा ये एक नंबर पॉइंट आउ दुई नंबर पॉइंट रु जोटा हायर हबो सेइटा हे जिवो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेइटा कौन है जीवो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर टिके कष्ट हो गला आपण आउ टिके सिंपलीफाई करंतु यस मु ट्राई करूची सब पिला माने अलर्ट हेबे कंडीशन कहूची 1 February 2018 पूर्वरु एहार अर्थ जेबे 18-19 फाइनेंशियल ईयर रो बजेट आसिला ता पूर्वरु जदि तमु किछि बोनस शेयर मिलिची केवल बोनस शेयर नुओ जहाँ ऊपर तुम्हें सिक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेमेंट करुच इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1 February 2018 ऑन व्हिच STT हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर जहाँ ऊपर तुम्हें STT पे करुच से केस रे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन हबो ना सर फर्स्ट पॉइंट आउ सेकंड पॉइंट रु जोटा हायर हबो फर्स्ट पॉइंट रे कौन आसुची एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन हबो ना सर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पई गोटे बाउंड्री डेट अछि से बाउंड्री डेट कौन ना 1/4/2001 पूर्वरु बिफोर ताहेले कौन हेजिबो ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हेजिबो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 April 2001 जदि 1/4/2001 आफ्टर परे आनिच ताहेले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केते हेजिबो ना सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हेजिबो नील कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हेजिबो नील ई आसी गला एक नंबर पॉइंट दुई नंबर पॉइंट रे दीटा सब पॉइंट अछि एमानक भितरु जोटा लोयर हबो कोन कहिला ना फेयर मार्केट वैल्यू 31 January 2018 रे जा अछि एवं एक्चुअल सेल कंसीडरेशन
एमानक भितरु जोटा लोयर हबो सेइटा हाई जिवो 2 नंबर पॉइंट एवं 1 नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट रु जोटा हायर हबो सेइटा हाई जिवो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अरे बुझी होउची कि बुझी होउनी रिप्लाई दियो, बुझी होउची कि बुझी होउनी रिप्लाई दियो। टिके कष्ट पॉइंट अछि, टिके बुझिबाको चेष्टा करो। मु कोशिश करूची, एग्जांपल बहुत एग्जांपल अछि जो पॉइंट एबे पढ़ी के आसिले ता पई एमदी सब क्वेश्चन पांचटा केस तुम सामना रे अछि। ये पांचटा केस नै के हम सॉल्व करबा, डोंट वरी। खाली मते रिप्लाई दियो जहां मु कहली किछि मुंड रे पसिला कि पसिलानी। हाँ सर किछि तो पसिला, जदि किछि पसिला ताहाले आमे सेकंड पॉइंट डिस्कशन करबा, तापर जे कि आमे कोन करबा एग्जांपल करबा। अरे रिप्लाई दियो किसी मुंडे पशु कि नहीं। यस जदि राइट शेयर अच्छी और राइट सिक्योरिटी अच्छी से केस रे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आम केमी पाइबा। सब पिला माने बुझिबे राइट शेयर माने कौन। राइट शेयर माने हूँ जनरली कौन हुए जिते बड़े एम्प्लॉय माने काम करती, एम्प्लॉय माने काम करती बा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ना शेयर को न बिकवाप कौन करा जाए ना से गोटे प्रलोभन देखा जाए जे तुम मानक किसी आम शेयर इश्यू करूँ जेनराली एम्प्लॉय मानक दि जाए। ओके कौन हम ना तुम्हें जदि आम ऑर्गेनाइजेशन में काम करे आम तुमको कौन दबू ना 100 टकर शेयर वैल्यू को आम कौन करूँ ना 30 टकर तुम मानक आलोटेड कर सब पे देखिए तो ताकू आम कौन कहू राइट इश्यू बोली कहू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर एंड सिक्योरिटी जदि इफ एक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर सब पे लिखिक ने आगे मुझा जहाँ कौच आगे लिखिक नियो जे राइट इश्यू क्या मिले ना एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर मान को राइट इश्यू मिले। एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर मान एम्प्लॉय मान को ईसअप मिले, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मिले। एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर मान को राइट शेयर मिले और बोनस शेयर मिले। कौन करा जाए ना अलर्ट करा जाए शेयर सॉरी राइट्स दिया जाए, राइट्स दिया जाए राइट्स टू बाय शेयर एट ए प्राइस लेस देन मार्केट वैल्यू ताकू आम कौन कहिबा राइट इश्यू बोली कहिबा। सबु पिला माने बुझो राकेश होची गोटे शेयर होल्डर, राकेश होची शेयर होल्डर। यस वेरी गुड राकेश होची शेयर होल्डर जहाँ पाखरे 5000 शेयर थिला टीसीए लिमिटेड रो, टीसीए लिमिटेड रो 5000 शेयर कहाँ पाखरे थिला ना सर राकेश पाखरे थिला। टीसीए कंपनी रो जीव माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थिले, तम माने थिला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो से माने कौन कले ना गोटे राइट इश्यू आनाउंस कले 1:2 रेसीओ रे, 1:2 रेसीओ रे राइट इश्यू देले। अर्थात जो मान पाखे दीटा शेयर अच्छी ताकू गोटाए शेयर किणवाक राइट्स दिगला आट द रेट ऑफ 30 30 टंका लेखार जो मान पाखे दीटा शेयर अच्छी से माने कौन करे ना गोटे शेयर किणीपर एवं जिते बड़े शेयर रो मार्केट वैल्यू केते टंका थिला ना 60 टंका थिला, 60 टंका नेले असुविधा हबो 70 टंका थिला। मार्केट वैल्यू टीसीए लिमिटेड रो अछि 70 टंका किंतु सेमानों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माने इश्यू करूछंती जे तम माने कौन करी परिबो ना 30 टंका रे तमे शेयर किनि परिबो। से कहूछि जदि एक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर जदि राकेश कौन करूछि ना जहाँ राइट ताको मिलीतिला अधिकार मिलीतिला राइट टू परचेज राकेश निजे से शेयर किणुची से केस रे कौन हबो ना से केस रे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन ही जीवो अमाउंट पेड टू कंपनी। सब पिला माने बुझिबे राकेश पाखरे केतेटा राइट्स अछि, सब पिला माने आंसर देबे राकेश पाखरे केतेटा राइट्स अछि ना राइट्स अछि केतेटा शेयर रो ना 2500 शेयर राकेश पाखरे राइट अछि। तो राकेश जिते बड़े 2500 शेयर किणवे टकर कंपनी सर ताको राइट दे 30 टकर गोटे शेयर को ता माने 75,000 टाँह पे कर
राकेश केते टंका पे करिवो कंपनी को ना सर 75,000 टंका पे करले राकेश को 2,500 टा शेयर मिल जीवो सब पिला माने बुझिबे। तो से केस रे राकेश रो राइट शेयर रो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केते ही जीवो ना सर जित्ती की टंका राकेश पे कला आमो एग्जांपल रे 75,000 आमो एग्जांपल रे 75,000 दुई नंबर केस कहू रिनाउंसमेंट ऑफ राइट राइट्स जदि राकेश कौन करुची राइट्स को रिनाउंस कर दउची बिकी दउची राइट्स को रिनाउंसमेंट कर दउची यानी बिकी दउची ताहले ता उपरे कैपिटल गेन लागि जीवो सब पिला माने बुझिबे। सेकंड केस रे कौन हैला मु सेकंड केस रे ग्रीन पेन रे लेखुची राकेश कहला सर मु कहले हां ना सर आपण हमकु कौन करथिले ना आमको पढ़े मु कौन करुची ना मो पाखरे गोटे भल ऑफर अच्छी राइट्स अच्छी जे 70 टंकार शेयर को मते 30 टंकार मिलुची किंतु एबे मोर आउ शेयर किनिबारे इच्छा नाही मो पाखरे पैसा नाही आपण कौन करंतु ना ए राइट्स को नहीं जानतु। मु कहली वेरी गुड राकेश कहला किंतु शर्त रे मु कहली कौन ना सर जदि आपण ए राइट्स को नेबे ताहले मते पर राइट पर शेयर राइट्स पाई आपण मते 20 रुपीस पे करिवे आपण केते रुपीस पे करिवे लेट सपोज 15 रुपीस पे करिवे नहले सब मिसी जीव वैल्यू 15 रुपीस पे करिवे सब पिला माने सुनिबे राकेश पाखरे 2500 शेयर किणीबा पई राइट्स थला राकेश निजे न किणी की मते बिकी दउची केते टंका लेखारे बिकुची ना सर 15 रुपीस रे बिकुची जदी 15 रुपीस रे बिकुची तले राकेश केते पैसा पाइबो ना 2500 इनटू 15 फटाफट कैलकुलेशन करी कहिबे केते हला ना सर 37,500 37,500 वर्तमान कहाँ को मिलुची राकेश को मिलुची राकेश को मिलुची 37,500 37,500 पाई की राकेश कौन करुची ना मते बिकी दउची सबु पिला माने कहिबे राकेश पाई फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते राकेश पाई फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते ना राइट आंसर इज सर आपन को जति की टंका रे बिक्री करी दउची अर्थात 37,500 सबु पिला माने कहिबे ए राइट्स राकेश पाखो को जहा आसिला राकेश को सिंगल रुपीस पे करिवे को पड़ीतिला कि ए राइट्स माई राकेश को सिंगल रुपीस पे करिवे को पड़ीतिला कि राइट आंसर इज नो जेहेतु राकेश को सिंगल रुपीस पे करै के माने राकेश सिंगल रुपीस पे करी नाही ताहले तार कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हे जीवो नील एवं एही ट्रांसफर बा सेल ऑफ राइट्स रू राकेश को जहा गेन मिलिला यानी 37,500 गेन मिलिला ताकू आमे कहिबा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ताकू आमे कहिबा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन काहे की किए कहि परिवो शेयर केस रे शॉर्ट टर्म आउ कैपि लॉन्ग टर्म को डिसाइड करिबा पई पीरियड ऑफ होल्डिंग केते दिन चेक करा जाय किए कहिबो पीरियड ऑफ होल्डिंग केते दिन चेक करिबा शेयर केस रे की रिप्लाई दोना दी सर हम भूली जाई छु 24 मंथ पार्शियली राइट जे 24 मंथ कोइला पार्शियली राइट नॉट फुली राइट आउ के कहिबो सब भूली गए यस वेरी गुड वेरी गुड एबे दी जन तीन जन आंसर दे सारे वेरी गुड यस थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद अर्पणा राकेश सी कहले जदि सर आपण शेयर लिस्टेड ताहला आम पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ चेक करवा अदरवाइज आम पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ चेक माने कौन करवा ना चेक करवा जेनराली कौन हुए ए राइट्स को एक्सरसाइज करिबा पई लेस देन 1 ईयर थाए 4 मास 3 मास एमती टाइम दिया जाए सेति पई कौन कुआ जाई छी ना मु एठी लेखि दै छी जा जहा भी गेन आसीबो कौन आसीबो ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आसीबो बुझियला अरे बुझियला कि बुझियला नी कहू न हो बुझियला कि बुझियला नी कहू न हो यस सर बुझियला सब पिला माने कहिबे
ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ସ କୁ ମୁଁ ସେଲ୍ କରିବି, ରାଇଟ୍ସ କୁ ମୁଁ ସେଲ୍ କରିବି, ରାଇଟ୍ସ କୁ ମୁଁ ସେଲ୍ କରିବି, ମୋର ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କେଉଁ ଡେଟ୍ରୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ? ନା ସାର୍, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ମୋତେ କମ୍ପାନୀ ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ମୋତେ କମ୍ପାନୀ ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଡେଟ୍ରୁ ମୋର ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ସାର୍ ସାର୍, ଯଦି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଥାନ୍ତା ରାକେଶ, ସେ କେସ୍ରେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଆପଣ କେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଚେକ୍ କରିବେ? ଭେରି ଗୁଡ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଦିନ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେୟାର ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇଦିନ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଚେକ୍ କରିବି, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି। ଆରେ ବୁଝି ହେଉଛି କି ବୁଝି ହେଉନି? ଫଟାଫଟ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅ, ବୁଝି ହେଉଛି କି ବୁଝି ହେଉନି? ୟେସ୍, ଯଦି ବୁଝି ହେଉଛି, ସବୁ ପିଲାମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କର, ଦିମାଗ ଲଗାଅ ଏବଂ ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଇଟ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି, ୟାନି ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ରାକେଶ କ'ଣ କରୁଛି, ରାଇଟ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ରାଇଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେୟାର ପରଚେଜ୍ କରିବା, ସେ କେସ୍ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ କେବେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯିବ? ସେ କେସ୍ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ କେବେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯିବ? ନା ସାର୍, ରାକେଶ ପ୍ରଥମେ ରାଇଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ସେୟାର କିଣିଲା, ଯେଉଁଦିନ ରାକେଶ ସେ ସେୟାରକୁ ବିକିବ, ୟାନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବ, ସେଇଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା। ଆରେ ବୁଝି ହେଉଛି କି ବୁଝି ହେଉନି? କିନ୍ତୁ ରିନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ରାକେଶ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତା ରାଇଟ୍କୁ ସେଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଇୟର୍ରେ ରାଇଟ୍କୁ ସିଏ ସେଲ୍ କଲା ସେଇ ଇୟର୍ରେ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଆରେ ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି? ଏଥିରୁ MCQ 100% ଆସିବ। ସାର୍, ଆପଣ ଆମକୁ ଯେତିକି ଜାଗା ମାର୍କ କରିକି ଆସିଲେଣି, ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଏତିକି MCQ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 150 କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ସବୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ଆମେ 2000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ତାହେଲେ 20 MCQ ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା। MCQର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହେଉଛି 1%। 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ MCQ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତୁମେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଚାପ୍ଟର ମାନରେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି 100 MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ତ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର। ତା'ମାନେ 20 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟୁନ୍ୟ 2000 MCQ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟୁନ୍ୟ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସାର୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତୁମେ ଯେତେ ପାରିବ 20,000 MCQ ବି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ନିଜେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ MCQ ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିଲ, ବିଲିଭ୍ ମି, ଏକ୍ଜାମ୍ର 90% ଭୟ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରୁ ପଳେଇବ। ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛ, ଯେଉଁଠି ଯାହା MCQ ଆସୁଛି ନିଜେ ନୋଟ୍ କରିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି, ବିଲିଭ୍ ମି। ତୁମେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିକି ବି ପାସ୍ କରିପାରିବ, ନୋ ନିଡ୍ ଅଫ୍ କୋଚିଂ, କୌଣସି କ୍ଲାସେସ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ନିଜେ ନିଜେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଓକେ? ୟେସ୍ ସାର୍। ଯାହା ଆମେ ଏବେ ବୁଝିଲେ ତାକୁ କବିତା ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବୁଝିବା। ସେ କହୁଛି, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ରିନାଉନ୍ସ ବାଇ ଆସେସି ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍। ଯଦି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଆସେସି ଅନ୍ୟ କାହା ଫେଭର୍ରେ ରିନାଉନ୍ସ କରିଦେଉଛି, ବିକି ଦେଉଛି। ହ୍ୱେନ୍ ସଚ୍ ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିନାଉନ୍ସ ବାଇ ଦ ଆସେସି ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଏନି ପର୍ସନ୍, ମୋତେ ଦେଇପାରେ, ସେ କାହାକୁ ବି ଦେଇପାରେ। କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୟୁଜେସନ୍ ଶାଲ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଟୁ ବି ନିଲ୍। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବିକିଲେ ତାକୁ ସେ ରାଇଟ୍ସକୁ କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା, ହେନ୍ସ ତା'ର କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୟୁଜେସନ୍ ହେଇଗଲା ନିଲ୍। ତା'ପର ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛି, ରାଇଟ୍ ସେୟାର ଆକ୍ୱାର୍ଡ ବାଇ ଆସେସି। ଯଦି ଆସେସି କ'ଣ କରୁଛି, ଯାହା ତାକୁ ରାଇଟ୍ସ ମିଳିଥିଲା ନିଜେ ସେୟାର ପରଚେଜ୍ କରୁଛି, ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସେଟ୍ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ଆସେସି ହାଜ୍ ଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ସେଡ୍ ଏଣ୍ଟାଇଟଲମେଣ୍ଟ। କୁହାଯାଇଥିବା ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ଆସେସି ଆକ୍ୱାର୍ଡ କରୁଛି। କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହା ଆମାଉଣ୍ଟ ସିଏ ପେ କରିଛି ଫର୍ ଆକ୍ୱାରିଂ ସଚ୍ ଆସେଟ୍, ସଚ୍ ଆସେଟ୍ ହିୟର୍ ମିନ୍ସ ସେୟାର। ସେ ସେୟାରକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ରାକେଶ ପେ କରିଛି, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତା'ର କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍। ରାଇଟ୍ ସେୟାର ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ପର୍ଚେଜ୍ ବାଇ ଦ ପର୍ସନ୍
इन हुज फेवर द आसेसी हाज रिनाउंस्ड द राइट एंटाइटलमेंट। यार माने कौन? यार माने हूँ राकेश को राइट्स मिलता, राकेश मत से राइट्स को बिकी देछि, राकेश माई हो गला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। प्रश्न आसुची मो पाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन हम? राइट आंसर इज ना सर आसेट। सब पिला बुझे, सब पिला बुझे, मत किसी बुझार अच्छे। यस अच्छा मत कह, राकेश तो मत 15 टंका रे बिकी देला, राकेश तो राइट्स को मत 15 टंका रे बिकी देला, किंतु जिते बेले मु ए लॉटरी नहीं कि गली कंपनी पाखकु जे कंपनी मत 25,000 शेयर तमे दियो मो पाखरे पर्ची अछि, ताले कंपनी मोठारु केते टंका नबो? कंपनी मोठारु केते टंका नबो? राइट आंसर इज सर एक्सरसाइज करिबा पई कंपनी आपन को एक्सरसाइज प्राइस यानी राइट शेयर प्राइस केते देथिला ना 30 टंका देथिला, यानी मते राकेश को दबा को पड़ीला 37,500, व्हेयर एज कंपनी को मते दबा को पड़ुची 75,000। ताहले सब पिला माने मते कहिबे जे मो पाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केते हे गला? राइट आंसर इज जहां मु कंपनी की पे कली प्लस शेयर आनिबा पई प्लस जहां मु राकेश को पे करी राइट्स को किनिबा पई। इन दैट केस मोर टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केते ही जीवो ना 37,000 प्लस 75,000, फटाफट कैलकुलेटर मारी कहिबो केते हैला ना सर? राइट आंसर इज 500। 7,512 लक्षे 12,500 मोर टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केते ही जीवो ना लक्षे 12,500, सही पॉइंट को आम एबे डिस्कशन करिबो। अरे बुझिएला कि बुझिएला नी? लक्षे 12,500 केमती हैला? रिप्लाई दौना पिला माने शायद से मानको बोरिंग लगे। यस 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 इन रिलेशन टू फाइनेंशियल एसेट, सॉरी थर्ड पॉइंट, राइट शेयर व्हिच आर परचेज बाय पर्सन माने मु किनुची, इन हुज पेपर द असेसी हैज रिनाउंस माने मो पाई राकेश द राइट्स को बिकी देथिला, इन द हैंड ऑफ परचेजर ऑफ राइट्स माने मो हाथ रे कौन हबो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस एग्रीगेट अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस पेड बाय हिम। मु दीटा प्राइस पेड करिछि, गोटे होउछि राइट्स को किनिबा पई किछि पे करिछि, आउ गोटे होउछि फाइनेंशियल एसेट यानी शेयर को किनिबा पई मु किछि पे करिछि। राइट्स को किनिबा पई मु 15 टंका पे करितिलि, शेयर को किनिबा पई मते 30 टंका पे करिबाकु पडुछि। इन दैट केस गोटाए शेयर रो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मो पई केते हे जीवो ना 45 टंका हे जीवो? मो पाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केते हे जीवो ना 45 टका हे जीवो? लेट सपोज मु शेयर किनी सरला परे, शेयर किनी सरला परे ताकु मु सेल करी दउची आर द रेट ऑफ 120, जित्ते बेले प्राइस 120 टका लेखा हे गला मु शेयर बिक्री करी दउची, मोर क्वेश्चन होची कैपिटल गेन केमती कैलकुलेशन हबो? ना सर कैपिटल गेन कैलकुलेशन हबो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। आपण 25,000 शेयर को बिकिले 120 टंका लेखारे, ये हे गला फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। लेट सपोज आपण कर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर किछि नाही यानी नील, ताहेले जहां आपण पाइथिले सेइटा आपण कर हे गला नेट कंसीडरेशन। आपण नेट कंसीडरेशन रु लेस करिवे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केते हबो ना सर 25,000 × 45, 25,000 × 45 एटा हे जीवो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एवं ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस कर देला परे जहां आसीबो आपनकर कैपिटल गेन आसीबो। ए कैपिटल गेन मे बी शॉर्ट टर्म मे बी लॉन्ग टर्म, ए कैपिटल गेन किए कहिबो शॉर्ट टर्म हे पारे और लॉन्ग टर्म हे पारे, जहां की डिपेंड करिबो कहां ऊपर ना सर डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऊपर, डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऊपर। बुझिएला कि बुझिएलानी? सब पिला फटाफट कैपिटल गेन कैलकुलेशन करके कहिबे, जदि लेटर डेट रे मु से शेयर को 120 टंका लेखा रे बिकी दउची ताहेले मोर कैपिटल गेन केते हबो? फटाफट आंसर को मते, एटा हे जीवो 400 12 5 60 रे 0 किला 6 12 2 24 6 30 30 लाख शायद। यस 30 लाख, वेरी गुड। 30 लाख रु ये केते हे जीवो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हे गला 30 लाख
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने ला फटाफट कह। 30 लाख रु कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने ला फटाफट कह। 25,000 रे 45 मल्टीप्लाई करो, लक्ष 87,500 ना 18,75,000 होती हो, 25 रु 5 रखने ला 12 25 100 112 11,25,000। यस यस आंसर ठीक अच्छे। यस यस दुकुनी देवाशीष तुम्हें कही कैपिटल गेन रनसर जोटा कि 18,75,000 हम। अरे हम कि नहीं कह, बुझीगला कि बुझीगलानी। पिला कहते कैपिटल गेन कष्ट राइट सेयार बोनस सेयार केस रे पिला मानों को मुंडे रे किसी पसेनी। सबू पिला माने कहिबे तमे एबे बुझी परलो कि नाही, सबू पिला माने मते फटाफट रिप्लाई दबो तमे एबे बुझी परलो कि नाही। जदी बुझी परलो आमे आगु को जिबा, अदरवाइज मु आउ थरे डिस्कशन करिवि। फटाफट को यस आगु जिबा। वेरी गुड वेरी गुड गो अहेड। यस लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट रेफर टू सेक्शन 112। बहुत बेलू मु आपनको कहि आसुछि सेक्शन 112 सेक्शन 112 कैपिटल ए सेक्शन 112 कैपिटल ए एहरा माने कोन सब पिला माने बुझिबे। 112 रे कुहा जाइछि से कहुछि इक्विटी शेयर, सब पिला माने बुझिबे। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिलेशन टू लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बिंग से लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कौन है थी वो एलटीसीए कौन है थी वो इक्विटी शेयर ही थी वो कौन सी गोटे कंपनी रो जहाँ ऊपर हमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करुचे बोथ किनिला बेले भी एवं बिकिला बेले भी किनिला बेले भी बिकिला बेले भी सब पिला माने कहिबे। अच्छा हमें केते नंबर सेक्शन पढ़ुचे तुम मैंने आंसर दियो मु किछ तुम तुम आंसर चाहूँ आम कौ सेक्शन पढ़ुचे फटाफट रिप्लाई दियो सेक्शन नंबर आम केते नंबर सेक्शन पढ़ुचे। यस अच्छा मु राइट रे रखी बोली मते बहुत थोड़ा मूव करिया पड़ुचे मु फ्रंट रे रखे सेक्शन नंबर 55। वेरी गुड आंसर वेरी गुड आंसर। सेक्शन नंबर 55 रे आम कौन पढ़ुचे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेक्शन नंबर 55 रे आम कौन पढ़ुचे राइट आंसर इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ता माने ये जो तीन नंबर पॉइंट रे आम पढ़ुचे कौन पढ़ा ना सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट जहाँ कि सेक्शन नंबर 112 कैपिटल ए रे कुआ जाई अच्छी। बुझीगला अरे बुझीगला कि बुझीगलानी। यस आम बेले बेले कौन हुए ना भितर पढ़ी था कि जहाँ अंडर पढ़ुचे भूली जाइ से आमको मन रखापी कष्ट हुए हम। यस आम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पढ़ुचे सेक्शन 112 कैपिटल ए अंडर रे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केमिति फाइंड आउट करा जीवो। यस यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट ऑन व्हिच एसटीटी इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एटी दीटा कथा कही सब पिला माने बुझिबे। जदी ताहा आमे एक्वायर्ड करितिबा बिफोर 1 April 2018 एबे एबे मु बुझेगी आसी जदि 1 February 2018 रु आमे एक्वायर्ड करितिबा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन हबो ना हायर ऑफ 102 हायर ऑफ 102 एक नंबर पॉइंट एवं दुई नंबर पॉइंट रु जोटा हायर हबो सेइटा हे जीवो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंटरेस्टिंगली दुई नंबर पॉइंट रे भी दीटा पॉइंट अछि सेमानक भितरु जोटा लोअर हबो ए बी रु जोटा लोअर हबो सेइटा आसी जीवो दुई नंबर पॉइंट रे एवं एक नंबर पॉइंट दुई नंबर पॉइंट रु जोटा हायर हम सेइटा हे जीवो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हबो। अरे हबो कि नहीं यस जदि बुझिले ताहले ए जो क्वेश्चन टा आपण मानक सामना रे अछि फटाफट निजे निजे सॉल्व करिवे निजे निजे सॉल्व करिवे मु आंसर दउनी निजे निजे सॉल्व करिकि मते आंसर कहिवे। से कहुचि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन 16 September 2017 सेप्टेम्बर 2017-20 मसीहा 16 तारीख रे मु किछि शेयर किनी थिली फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 January 2018 सेलिंग प्राइस आज ऑन
10th December 2018 ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ସବୁ ପିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଆସିବ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଅର୍ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଫଟାଫଟ କୁହ ଫଟାଫଟ କୁହ ନା ସାର୍ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସେଟ୍ କି ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସେଟ୍ ସବୁ ପିଲା କହିବେ ଇଏ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସେଟ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ମୁଁ ଏମିତି କହି କହିକା ଯିବି ତୁମ ରକ୍ତରେ ମିଶିଯିବ ତୁମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କନସେପ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କରିବନି ଆଟଲିଷ୍ଟ କନସେପ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କରିବନି ନା ସାର୍ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କେଉଁ ଦିନରୁ ନେବା ନା ସାର୍ ଯେଉଁଦିନ ସେୟାର କିଣିଲେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସାର୍ ଯେଉଁଦିନ ସେୟାର ବିକିଲେ ତାହେଲେ ସବୁ ପିଲାମାନେ କହିବେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 16/9/27ରୁ କେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10/12/2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ କହିବେ ଏହାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ ହେଉଛି ଏହାର ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ ହେଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଲେସ୍ କରିବି 12/9 = 3 18/17 = 1 ତା ମାନେ ବର୍ଷେ 3 ମାସ 1 year 3 month 1 year ପାଖାପାଖି 1 year 3 month ପାଖାପାଖି ଆକୁ ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବି ତ ଏମିତି ମୋତେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଖାପାଖି 1 year 3 month ହବ ଚଳିବ ପାଖାପାଖି 1 year 3 month ତା ମାନେ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକା ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ହବ ନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଦରକାର ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଦରକାର କି ଏଇଟା ଚଳିବ ସାର୍ ଏଇଟା ଚଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଖାପାଖି 1 year and 3 month ସବୁ ପିଲା କହିବେ ଇଏ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମର କେଇଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା ନା ସାର୍ ଗୋଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା 12 month ଆଉଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା 24 month ଆଉଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା 36 month ପ୍ରଥମ କଥା ଇଏ ତ 36 month ପାଇଁ ଯାଉନି ଇଏ ବାକି ରହିଯାଉଛି ଇଏ 12 ଆଉ 24 ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ସବୁ ପିଲା କହିବେ ଏଠି କେଉଁ କେସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନା ସେୟାର କେସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ସେୟାର କେଉଁ କେସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନା ସେୟାର କେସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ ଇକ୍ୱିଟି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେ କେସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କେତେ ଦିନ ହେବ କିଏ କହିବ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କେତେ ଦିନ ହେବ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କେତେ ଦିନ ହେବ ନା ସାର୍ ଯଦି ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥିବ ଯଦି ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥିବ 12 ମାସ ଯଦି ଅନ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥିବ 24 ମାସ ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଥିଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର ଇକ୍ୱିଟି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଫଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏ କେସ୍ରେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ 12 ମାସ ଚେକ୍ କରାଯାଏ ହଁ ସାର୍ ଏବେ ପିଲାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମେ 12 ମାସ ଚେକ୍ କରିବା ଯଦି 12 ମାସରୁ ଅଧିକା ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ଆସେଟ୍ ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫଟାଫଟ କହିବେ ତାହେଲେ ଆସେଟ୍ ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆସେଟ୍ ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫଟାଫଟ କହିବେ ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସେଟ୍ ହେଇଯିବ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସେଟ୍ ୟେସ୍ ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସେଟ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛି ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସେଟ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛି ଏଠି ଯାହା ଗେନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ହବ ହଁ ସାର୍ ଏତିକି ତ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମାଟ୍ ବତେଇଛି ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କନସିଡ଼ରେସନ୍ ମାନେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରଥମ କେସ୍ରେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା 760 ପ୍ରଥମ କେସ୍ରେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା 760 କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କେତେ ନେବି ନା କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପାଇଁ ସାର୍ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର କ'ଣ ଦରକାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଫଟାଫଟ ମନେ ପକାଅ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ଆସେଟ୍ କିଣିଥିଲି ୟାନି 410 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିବ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିବ FMV ଅର୍ ସେଲିଂ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏଭର୍ ଇଜ୍ ଲୋୟର୍ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା ମନେ ପକାଅ ଫେୟାର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅର୍ ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କନସିଡ଼ରେସନ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କନସିଡ଼ରେସନ୍ ରିସିଭ୍ଡକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଲୋୟର୍ ହେବ ସେଇଟା ହେବ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ରହିବ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍
प्रथमे कह ताले ए दीटा भितर लोयर है 730 730 आउ 410 भितर कंपेयर कले जोटा हायर हायर हूँ 730 हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अरे बुझीगला कि बुझीगलानी सर आउ थे कहतु एक नंबर पॉइंट दुई नंबर पॉइंट सेमानक भितर जोटा हायर हम सेटा हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक नंबर पॉइंट रे कही जहाँ तुम्हें एक्चुअली आसेट एक्वायर्ड करने प्राइस दौ दुई नंबर पॉइंट रे कहि दुईटा पॉइंट एम भितर जोटा लोयर हम कौन क्या क्या भितर गोटी हूँ एफ एम बी आज अन् फास्ट जनवरी 2018 सेलिंग प्राइस बा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एम भितर जोटा लोयर हम 730 ताकू सी हो गला पॉइंट नंबर टू रे पॉइंट नंबर वन सहित कंपेयर कर एम भितर जोटा हायर है दैट इज 730 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम ताहले कैपिटल गेन केते आसिला ना सर 30 रुपीज दिस विल बी योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिस विल बी योर कौन हो ना सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। फटाफट दुई नंबर केस रे कहिबे दुई नंबर केस रे फटाफट आंसर देवे दुई नंबर केस रे कैपिटल गेन केते हबो फटाफट कहिबे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यस वेरी गुड देवाशीष कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम 710 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम के 710 वेरी गुड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गला 710 फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रिसीव हो जाऊँ 650 ए केस रे आसीबो कैपिटल लॉस 60 रुपीज। थैंक यू राकेश वेरी वेरी गुड सर आम बुझी पाइलुनि आगे एक नंबर पॉइंट पाइगल एक नंबर कौन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच असेट से 410 दुई नंबर कौन कर ना ए बी रु जोटा कम हम ए बी रु ए कौन फेयर मार्केट वैल्यू 780 एवं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 650 एम मानक भितर लोयर कौटा ना लोयर हूँ 650 ये 650 को 710 सहित कंपेयर कर आंक भितर जोटा हायर हम से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हब अरे हब कि हबनी यस तीन नंबर पॉइंट फटाफट कह तीन नंबर पॉइंट तीन नंबर पॉइंट रे कैपिटल गेन के हम फटाफट कह पॉइंट नंबर थ्री फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मुझे लिखी दौर निजे 910 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हम थैंक यू अभिषेक वेरी गुड दीटा डिफरेंट आंसर आसूच किए कौन गेन हम किए कौन लॉस आसब राकेश तोर भूल है आंसर शायद अर्पणा ठीक पप्पू ठीक देवाशीष ठीक यस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभिषेक कौच नील ओ सॉरी चार नंबर केस रो नील थैंक यू वेरी गुड तो तीन नंबर केस रो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केते हबो ना 300 वेरी गुड पांच नंबर केस रो भी आंसर आसीगला वेरी गुड 910 एमानक भितर जोटा लोयर सर 300 300 को 900 सहित कंपेयर करो जोटा हायर दैट इज 900 ताहले कैपिटल गेन हम 10 टका। चार नंबर केस जदि आम डिस्कसन करवा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन के 800 टका तो ए दीटा भितर जोटा लोयर 825 825 800 जोटा हायर 825 अरे भूल लिखिली भूल लिखिली भूल लिखिली फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो 825 नील थैंक यू वेरी गुड पांच नंबर पॉइंट आंसर केते हबो ना सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो 400 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 आउ 400 भितर जोटा लोयर ताकु आम कंपेयर करवा एक्चुअल प्राइस सहित तो जोटा हायर यानी 100 केते आसुच कैपिटल गेन 300 हबो एबे देखो मैजिक एबे देखो मैजिक वेरी गुड थैंक यू पिला माने बुझी पारुछंती वेरी गुड जोने पिला कहुची सर बुझी हेला यस देखो हबो एग्जाम रे एमती क्वेश्चन पड़ीबो जहार वेटेज तबो 4 मार्क्स सर ओनली 4 मार्क्स 4 मार्क तुम कौन कम लगुची एतिकी लेखिबो तुमको एग्जाम रे 4 मार्क कम लगुची ओ माय गॉड प्रश्न आसुची सर आमे ए जो कथाटा कहिले नि कि आमे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नबा
फेयर मार्केट वैल्यू और फुल ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड एमानक भितर जोटा लोअर सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड तो क्वेश्चन रे देई थिबो दैट इज योर सेलिंग प्राइस किंतु फेयर मार्केट वैल्यू आमे केमिति बाहर करिबा क्वेश्चन आसुची जे फेयर मार्केट वैल्यू आमे केमिति कैलकुलेट करिबा एबे नियो स्लाइड दिस इज योर कंप्यूटेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू आज ऑन 31 जनवरी 2018 सब पिला माने बुझिबे जदि किछि शेयर कोन हेतिबे इन केस द कैपिटल असेट कहिले शेयर कैपिटल असेट कहिले कोन ना सर शेयर इज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अर्थात कोनोसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया रे कोन हिचंती लिस्टेड हिचंती आज ऑन 31 जनवरी 2018 अर्थात 31 मार्च बेलू को से शेयर लिस्टेड हिचंती ताहेले कोन हबो इफ देयर इज ट्रेडिंग इन सच असेट ए मार्क ए कथडा बुझो हालांकि तुमको क्वेश्चन ने फेयर मार्केट वैल्यू देथिबो एबे मु जहा कहू छी एटा फाइनल लेवल डिस्कशन एटा फाइनल लेवल डिस्कशन तुमर पढ़िबनी फिर भी मन रखिता बहुत इजी सब पिला माने बुझो कहू छी गोटे शेयर लिस्टेड हे छी ओके लिस्टेड हेला पर फेयर मार्केट वैल्यू हमें केमिति पाइबा जदि 31 जनवरी 2018 बेलू को से शेयर स्टॉक मार्केट रे किणा बिका होतिबो ताहेले कोन हबो हाईएस्ट प्राइस ऑफ द कैपिटल असेट क्वेटेड ऑन द सच एक्सचेंज ऑन द सेड डेट सर गुटाई दिन रे कोन चारिटा वैल्यू आसीबो चारिटा वैल्यू नो 4000टा वैल्यू आसीबो कोनोसी गुटिए कंपनी रो शेयर गुटिए दिन रे गुटिए मिनिट रे चेंज होताय वैल्यू तुम फाइनल लेवल को गले भल भाव से बाबद पढ़ जदि लिस्टेड एवं लिस्टेड हेला भितर ट्रेडिंग ताहले जोटा हाईएस्ट प्राइस थी सेटा है फेयर मार्केट वैल्यू सी कौच जदि नो ट्रेडिंग ऑफ सच असेट सी कौच 31 जनवरी से शेयर किसी किणा बिका हो ना तो कौन हम हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच असेट ऑन एक्सचेंज ऑन ए डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 जनवरी 2018 अर्थात जदि शेयर किणा बिका होनी से डेट पूर्व जो किणा बिका हेतिबो एवं तार हाईएस्ट प्राइस जा थिबो हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच असेट ऑन एक्सचेंज ऑन ए डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू 31 जनवरी 2018 बुझीला अर्थात लेट सपोज 31 जनवरी रे स्टॉक मार्केट क्लोज थिला अर्थात कोनो से ट्रेडिंग ही नथिला ता पूर्वरु 29 तारीख रे से शेयर को किणा बिका करा जाइतिला 29 तारीख रे चारिटा वैल्यू थिला 105 गोटी टाइम रे थिला गोटी टाइम रे 205 थिला गोटी टाइम रे 65 टका थिला आउ गोटी टाइम रे 85 टका थिला ताहेले कोन हबो फेयर मार्केट वैल्यू केते नबा ना सेही डेट रो जोटा हाईएस्ट प्राइस थिला यस इन केस इंट्राडे रे वेरी गुड इंट्राडे जानी सर लेनी स्टॉक मार्केट तुम कैरियर जदि बनेबा को चाहू छ ताले फाइनल परे स्टॉक मार्केट के ऊपर गोटे कोर्स करो ओके मोर इच्छा थिला बट मो पाखरे कम टाइम अछि जेहेतु मोर इंटरेस्ट होछि पिला मानको पढेबा जो काम मु करि परनी से काम चाहू छि तुम्हें माने करो स्टॉक मार्केट रे तुम्हें पोस मोर पोसबार इंटरेस्ट थिला किंतु जेहेतु मु चाहू छी किछि पिला मानकु ए लेवल को आनिबा पई सेति पई मु टीचिंग ऊपर रहू छी बट मु मो पिला मानकु गाइड करिबे एडवाइस करिबे रिक्वेस्ट करिबे निश्चिंत भाबरे से माने स्टॉक मार्केट ऊपर ज्ञान नियंत बहुत इंटरेस्टिंग लागिवो हालांकि मो पाखरे ते एक्सपर्टाइज नॉलेज नै ओके यस इन ए केस व्हेयर कैपिटल असेट इज ए यूनिट व्हिच इज नॉट लिस्टेड जदि से कैपिटल असेट कौन है लिस्टेड नहीं ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ताहले कौन हबो जदि लिस्टेड नहीं ता माने अनलिस्टेड केस रे एनएवी हो जी फाइनल लेवल पाठ आम नेट असेट वैल्यू कैलकुलेशन करिबा फाइनल लेवल ले एहा ऊपर केस स्टडी आसीबो कैपिटल गेन चैप्टर इंटर लेवल ले एहा ऊपर आसीबो नहीं हालांकि फर्स्ट पॉइंट रु आसी पारे केस स्टडी ओके।
यस इन केस वेयर कैपिटल असेट इज एन इक्विटी शेयर इन ए कंपनी हुईच इज नॉट लिस्टेड से कहते 31 January 2018 रे लिस्टेड नथिला किंतु जो दिन से शेयर को तुम ट्रांसफर करुच से सी लिस्टेड हो गला अरे 31 January से शेयर लिस्टेड नथिला किंतु तापर से शेयर लिस्टेड हो जाए से केस रे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ए फेयर मार्केट वैल्यू केमिति हबो ना सर फेयर मार्केट वैल्यू हबापाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंडेक्स फॉर द असेसमेंट ईयर सबू पिला माने कहिलो आमे ए जो 31 January 2018 ये को फाइनेंशियल ईयर रे आसीबो ना सर 17-18 फाइनेंशियल रे आसीबो आउ कोन अछि वेरी गुड ताहले 17-18 फाइनेंशियल ईयर रो इन्फ्लेक्शन इंडेक्स को नबा मल्टीप्लाई करिबा कहा को डिवाइड करिबा ना जो ईयर रे से एसेट को आमे किनी थिले ओके जो ईयर रे से एसेट को आमे किनी थिले जदि आमे 1-2 फाइनेंशियल ईयर पूर्वर किनी थिबा ताहले 1-2 फाइनेंशियल ईयर रो इंडेक्स को नबा हबो यस यस इतिके थिला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रे आउ किछि कष्ट नै आउ गुटिए पॉइंट ऑलरेडी मु तुमको कहि सारी छी हालांकि ऑफिशियली एबे तुमको पढ़ेबी ए पॉइंट ऑलरेडी आमे पढ़ी छी कि नै सब पिला माने मते रिप्लाई देबे एनी अदर कैपिटल असेट अन्य कैपिटल असेट केस रे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोन होबो काहे कि ना आमे पढ़ुचे सेक्शन नंबर 55 रे दीटा पॉइंट अछि आमे प्रथम पॉइंट को पढ़ुचे Where the capital asset become the property of assessee before 1 April 2001 अर्थात 1 April 2001 पूर्वरु मु गोटे कैपिटल असेट को किनी थी गोटे लैंड एंड बिल्डिंग को किनी थी कौन कही थी ए केस रे मु कहिनी लेट सपोज मु 95-96 रे गोटे बिल्डिंग किनी थी यानी लैंड किनी थी 5 लाख टंका देकी दैट इज बिफोर 1 April 2001 ताहले कौन हबो ना एक्चुअल कॉस्ट और एफएमबी आज ऑन 1 April 2001 लेट सपोज 1 April 2001 रो एफएमबी अछि 15 लाख ताहेले मोर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केते हबो ना सर एमानक भितरु जोटा हायर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द असेट टू द असेसी और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ऑन 1 April 2001 एट द ऑप्शन ऑफ असेसी जनरली सब पिला माने कुवा तमे कोटा को नबो हायर नबो ना लोअर नबो राइट आंसर इज समय सारा में हायर नबो काहे कि हालांकि लास्ट क्लास रे मु बुझै छी मने करो मु से एसेट को बिकिली सेल करली 50 लाख रे 25 लाख इत्ते बडो अमाउंट नबानी 25 लाख रे से एसेट को बिकिली जदि राकेश कोला सर मु जति की टंका देइथिली सेति की टंका मु नेबी ताहेले कोन हबो ना मु 5 लाख टका लेस करी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ताहेले मोर कैपिटल गेन केते हि जीवो 20 लाख ताहेले मोर टैक्स भी कौन 20 लाख हि जीवो कैपिटल गेन टैक्स भी लागिवो 20 लाख ऊपर जदि मु कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को नहीं गली फेयर मार्केट वैल्यू यानी 15 लाख ताहेले मोर कैपिटल गेन केते हि जीवो 10 लाख ताहेले टैक्स का ऊपर लागिवो 10 लाख ऊपर लागिवो अरे बुझु जो कि बुझि परलन तो लॉजिकली सब पिला माने मन रखी थे एम भितर जोटा हायर हम ताकू नि जाए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाउएवर इन केस ऑफ कैपिटल असेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच असेट एज ऑन 1 April 2001 शैल नॉट एक्सीड स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट वेरी 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 इंपोर्टेंट सेक्शन 50C रे हमें पढ़ीबा कैपिटल असेट लैंड एंड बिल्डिंग और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू बाबद पढ़ीबा गोटे बढ़िया केस स्टडी सुंदर केस स्टडी तुम सामना को मुझे जोड़ी तुमको लगे हाँ सर ए विषय में किसी अच्छे व्हेयर एवर एप्लीकेबल ऑफ सच असेट एज ऑन 1 April 2001 सर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कौन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हूँ स्टाम्प अथॉरिटी एक्ट अनुसार जो वैल्यू को डिटरमाइन करा जाए था जहाँ ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कहले गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा किसी कौन करे ना स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन करे से वैल्यू को हमें स्टाम्प वैल्यू बोली कहीदेव
सी कौन कहूँ ना फेयर मार्केट वैल्यू क्या एक्सीड करने दरकार नुह ना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड करने दरकार नुह। व्वेयर द कैपिटल आसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ आसेसी आफ्टर 1 April 2001 व्वेयर द कैपिटल आसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द आसेसी आफ्टर 1 April 2001 देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अमाउंट पेड बाय आसेसी विल बी अमाउंट पेड बाय आसेसी जहाँ तुम्हें पे करा हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पढ़ा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पढ़ा ये सर आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पढ़े दिंतु हालांकि एतिक पेज अच्छी देख यह तले आ कि नोट्स ना ये सर आप सेक्शन 55 आज सारी दिंतु वेरी गुड मुझे चाहूँगी आज टॉपिकटा सरी जाओ बोली ये मुझ सर्ट्रे कौच मन रख कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनटैंजिबल आसेट उपरे सबुबले नील हो जदि गुडविल हो राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग हो राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन हो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सबुबले कौन हो नील हो एवं तुम मानक कही जदि 1 April 2021 पूर्व मुझे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट करी मुझे कौन करी इग्नोर करी ताकू कौन करी इग्नोर करी दुईटा पॉइंट होगा सर आ रहा कौन आउ रहा जदि मु 1 April 2001 परे किंबा सही दिन किछि टंका खर्च करुची मोर आसेट रो कंडीशन को बढ़ेबा पाई आसेट को इम्प्रूवमेंट को करिबा पाई ताहेले कौन हबो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हे जीवो जति की टंका मु खर्च करिछि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मीन्स ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इनकर्ड ऑन मेकिंग मु फर्स्ट क्लास रे कहिथिली एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर हेतिबा दरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर हेतिबा दरकार मेकिंग एनी कंडीशन और अल्टरेशन और इम्प्रूवमेंट टू द कैपिटल असेट बाय द असेसी आफ्टर इट बिकम हिज प्रॉपर्टी मु किणी की सारिला पारे अर्थात मु से असेट रो ओनर हे सारिला पारे जहां मु कैपिटल एक्सपेंडिचर करूची से असेट रो कंडीशन को बढ़ेबा पई ताकू हमें कौन कहिबा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बोली कहिबा हबो अरे हबो कि नहीं एथिरु एमसीक्यू आसीबो ता माने जदि सब पिला माने देखिबो सेक्शन 48 रे अर्थात कैपिटल गेन रे जहा जहा रिक्वायरमेंट थिला सब आमे कंप्लीट कर दीजे कैपिटल गेन रे जहा जहा रिक्वायरमेंट थिला सब आमे कंप्लीट कर दीजे एहा परे आमे एडिशनल पॉइंट पढ़िबा हाँ कि ना हाँ कि ना यस सर तो सब पिला कहिबे आज आमे आउ पढ़िबा कि एडी क्लास सार दबा हालांकि मो पाखे आज आउरी गोटे मजादार पॉइंट अच्छी सेक्शन नंबर 45 जदि तुम मानक पेसेंस अच्छी ताहले मु सेक्शन 48 पढ़े पाई मु रेडी अच्छी राजी पाई सेती की थाओ आजी पाई सेती की थाओ वेरी गुड आजी पाई सेती की थाओ एंड वेरी गुड आज एट सारी बाकी आउ पढ़ीबा तुम्हें के समय पढ़ी पारिबो कुओ मु तुमको मिन मैक्सिमम 6 आवर पढ़ी पारि 6 घंटा आटे टाइम राकेश कहू आउ नुह सर कारण आ पूर्व जो मैंने ग्रुप टू मो पाखे पढ़ुते से जानते मुझे केते घंटा पढ़ी पारे हालांकि गोटे मिनट रही है रेकर्डिंगटा बंद कर सारे तुम सा कथा तो आज ये बाय बाय।